गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देश भर में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। आज भी देश के कई शहरों में छापेमारी हो रही है। एटीएस और एनआईए की टीम लगातार संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इससे पहले शनिवार को देश के कई हिस्सों में आतंकी नेटवर्क पर एनआईए का क्रैकडाउन जारी रहा। एनआईए ने कल 8 और संदिग्धों को देश के अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया है। 6 शहरों के 12 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। शुक्रवार को जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ के आधार पर नई गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी के लखनऊ से भी खुफिया एजेंसियों ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया था। अब तक करीब 14 संदिग्ध हिरासत में लिए जा चुके हैं। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर उन जगहों को तब्दील किया गया है छावनी में जहां धमाके की धमकी मिली है या फिर जो ज्यादा सेंसिटिव जगह है। शनिवार की शाम करीब 6 बजे मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। कंट्रोल रूम में किसी ने फोन कर धमकी दी कि 2 फरवरी से पहले एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद से एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस और CISF के जवानों को तैनात किया क्या है। पुलिस तमाम लोगों की गहन चेकिंग कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये कॉल यूपी के किसी जगह से आई थी। ये भी बता दें कि शुक्रवार को भी एक कॉल आई थी जिसमें मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, हालांकि वो फर्जी कॉल थी। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के ऑपरेशन को खुद एनएसए अजीत डोवाल मॉनिटर कर रहे हैं। खुफिया और सुरक्षा बलों की बैठक में डोवाल ने सभी आला अधिकारियों को साफ कहा है कि किसी भी आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आला अधिकारियों को 26 जनवरी तक दिल्ली में रहने और दिन रात इमरजेंसी बैठक के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भारत को दहराने की साजिश के आतंकी कोड को इंटरसेप्ट किया। ये कोड है 7 कलश रख दो। CIA ने आतंकियों की जिस कोड को इंटरसेप्ट किया है उसको डिकोड किया गया। इसका मतलब है कि 7 जगह पर ब्लास्ट करो, यानी आतंकी भारत में 7 जगह ब्लास्ट करने के फिराक में थे। बताया जा रहा है कि CIA की इस सूचना के बाद फौरन NSA अजीत डोवाल को ब्रीफ किया गया, जिसके बाद संदिग्धों की धरपकड़ का अभियान शुरू हुआ। ये सब NSA की मॉनिटरिंग में चल रहा था। पिछले साल दिसंबर में CIA ने सीरिया और इराक से चलने वाली IP एड्रेस को ट्रैक किया था, जिसके चलते आतंकियों की इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सोपोर पुलिस और 52 राष्ट्रीय राइफल्स के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए बड़ी कामयाबी मिली है। हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को हथियारों के भारी जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को खबर मिली है कि संग्रामा इलाके में इशफाक सोफी नाम का आतंकी छुपा हुआ है। ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों को धर दबोचा गया। इन आतंकियों पर हरकत उल मुजाहिदीन के लिए और आतंकियों को तैयार करने की जिम्मेदारी थी और राजनेताओं को निशाना बनाने की फिराक में भी थे। गिरफ्तार किए गए आतंकी इशफाक सोफी ने ही प्रधानमंत्री मोदी के पिछले साल नवंबर में कश्मीर यात्रा से पहले CRPF की टुकड़ी पर ग्रेनेड फेंका था। करीब 4 साल पहले सुरक्षा बलों ने कश्मीर से हरकत उल मुजाहिदीन को खत्म कर दिया था, लेकिन इशफाक सोफी की अगुवाई में एक बार फिर हरकत से आया और अपने पांव जमाने की फिराक में था। पुलिस इशफाक सोफी की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो टेररिस्ट है उसको पकड़ा है, वो हरकतुल मुजाहिदीन को के साथ वाबस्तगी है उसकी। पंजाब में लुधियाना के ढोलेवाला चौक के पास आर्मी कैंप में 2 संदिग्धों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद से पूरे इलाकों को सील कर दिया गया है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपियों ने पहले एक घर में घुसने की कोशिश की। लोगों के शोर मचाने पर संदिग्धों ने आर्मी कैंप का रुख किया। संदिग्ध व्यक्तियों की जो तस्वीरें हैं वो CCTV में कैद हुई हैं। पुलिस और सेना जांच में जुट गई है। उनको बोला था भी ऐसे है, कोई चोरी का मसला लगता है, देखो। जब पुलिस वाले ने अपना देख लिया, नुकसान कोई हुआ नहीं था, लेकिन बाद में जब हमने अपना कैमरा चेक किया है तो आदमी का जो पहरावा था वो ऐसे लगता था चोरों वाला पहरावा नहीं है, कोई जेंटल बंदे हैं। फिर इन्फॉर्म में दोबारा फिर इंस्पेक्टर को बोला कि मुझे लगता है भी ये कोई चोर नहीं है, जरा आप पूरा देख लो। फिर वो सारी पुलिस वाले आए, अपना देख के
पठानकोट के एसएसपी सलविंदर सिंह के बारे में एनआईए ने साफ किया है कि इस बारे में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस सिलसिले में मीडिया रिपोर्ट्स पर एनआईए ने कहा है कि मामले के सबूतों की तलाश जारी है और मामले की तफ्तीश भी की जा रही है। इससे पहले एनआईए के सूत्रों से मिली हवाले से जो खबर मिली थी वो पठानकोट आतंकी हमले को लेकर संदेह के दायरे में चल रहे एसपी सलविंदर सिंह को क्लीन चिट दे दी गई थी। एसपी सलविंदर का 3 दिनों तक लगातार एनआईए हेडक्वार्टर में लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया था। गुरुवार को एनआईए ने पठानकोट और गुरदासपुर में सलविंदर के 6 ठिकानों पर छापे भी मारे थे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को सलविंदर सिंह को उनके जौहरी मित्र राजेश वर्मा और रसोईया मदन गोपाल के साथ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। इन आतंकवादियों ने बाद में पठानकोट वायुसेना ठिकाने पर हमला किया था। पठानकोट हमले के बाद सलविंदर से पूछताछ हुई थी और शुरुआती पूछताछ में संदेह के बाद लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया गया। श्रीनगर के पुलवामा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। सेना के साथ एनकाउंटर में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के जनाजे में AK-47 लहराई गई और फायरिंग भी की गई। ये वीडियो एक मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है। जनाजे में शामिल हुए लोगों ने देश विरोधी नारे भी लगाए। 3 दिन पहले पुलवामा में सेना के साथ एनकाउंटर हुए ये आतंकी मारा गया था। मारे गए आतंकी का संबंध आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से था। 20 जनवरी को सेना से हुए एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे। भुवनेश्वर से मुंबई जा रही गो एयर विमान को शनिवार को इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद नागपुर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को उतार लिया गया, फिर विमान की तलाशी ली गई। हालांकि काफी देर खोजबीन के बाद भी विमान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बता दें कि कल सुबह 9:45 पर विमान ने उड़ान भरी थी और करीब 11:30 के आसपास विमान को मुंबई में लैंड होना पड़ा, लेकिन इस बीच कंट्रोल रूम में फोन आया कि विमान में बम है और इसी के मद्देनजर फ्लाइट को नागपुर में ही इमरजेंसी स्थिति में उतारना पड़ा। हालांकि ये बात अफवाह निकली और विमान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फ्लाइट संख्या GA-243 के इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर गो एयर का कहना है कि बम की खबर मिलने के बाद 150 यात्रियों को फ्लाइट से उतार विमान की तलाशी ली गई। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं। फ्रांसवा ओलांद के दौरे की शुरुआती चंडीगढ़ से उनकी शुरुआत होगी। वो इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांसवा ओलांद एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ पहुंचने पर हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी उनकी अगवानी करेंगे। ओलांद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कई प्रमुख स्थलों का दौरा भी करेंगे। शाम को दोनों नेता अलग अलग दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ओलांद और मोदी के यहाँ पहुंचने से पहले पूरे चंडीगढ़ में सुरक्षा पुख्ता की गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है। आज अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। अगर कोई दूसरा नेता नामांकन दाखिल नहीं करता है तो उन्हें निर्विरोध चुन लिया जाएगा। हालांकि ये साफ है कि पार्टी का कोई दूसरा नेता नामांकन दाखिल नहीं करेगा। मुमकिन है कि शाम तक नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। अमित शाह का ये दूसरा कार्यकाल होगा। नया कार्यकाल 3 साल का होगा। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रमुख नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं यूपी बीजेपी की कप्तान धर्मपाल सिंह को दिया जाना पक्का हो गया है। वे बरेली से पार्टी के विधायक हैं। खबरों के मुताबिक उनके नाम का ऐलान 30 जनवरी तक हो सकता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ उद्योगपतियों की मदद करते हैं, किसानों और गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं है। शनिवार को राहुल गांधी बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे थे और जहां उन्होंने महोबा में 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की थी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह राहुल गांधी के साथ भी पहुंचा। वहीं पर राहुल गांधी ने दलित छात्र रोहित की खुदकुशी के मामले को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री बन गए वो वायदे उनको अब याद नहीं आते हैं। मैं उनको वो वायदा याद दिलाना चाहता हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, बुंदेलखंड भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ये जो सूखे खेत हैं ये भी हिंदुस्तान के एक हिस्सा है। आप यहां आइए, अपनी आंखों से देखिए यहां क्या हो रहा है और थोड़ी सी मदद आप बुंदेलखंड की भी कर दीजिए। आप चुने हुए उद्योगपतियों को मदद करते रहते हो। यहाँ के जो किसान हैं, जो प्यासे हैं, जो अपने सूखे खेतों के बीच में बैठे हुए हैं,
उनकी भी थोड़ी सी आप सुन लीजिए, उनका भी थोड़ा आप हाथ पकड़ लीजिए, आपके हाथ में शक्ति है, थोड़ी सी शक्ति इनको भी आप दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती के मौके पर उनसे जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक कर दी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नेताजी का परिवार भी मौजूद रहा। नेताजी से जुड़ी फाइलें अलग अलग चरण में डिक्लासीफाई की जानी है। पहले चरण में नेशनल आर्काइव में 100 फाइलें सार्वजनिक की गई। अब हर महीने 25-25 फाइलें सार्वजनिक की जाएगी। फाइलों से साफ हुआ है कि कांग्रेस नेताजी की पत्नी को 1964 तक हर महीने 6000 रुपए देती थी। हालांकि नेताजी की बेटी ने इस रकम को लेने से इनकार कर दिया था। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि देश आजादी के 68 साल बाद बहुत सारे विषय जानना चाहता था। आज भारत की सरकार ने उनको एक पारदर्शिता से सबके सामने रखा है। इन 100 फाइलों के माध्यम से नेताजी के जीवन का बारे में बहुत कुछ पता चलेगी और आज की युवा शक्ति को उनसे प्रेरणा मिलेगी कि आखिरकार किस तरह उन्होंने संघर्ष कर देश को आजादी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अब तक फाइलों में लिखी नोटिंग के आधार पर अगर बात करें तो नेताजी की मौत 1945 में हो गई थी। नेताजी की 1945 में मौत होने के कोई पुख्ता सबूत अभी तक जांच में नहीं है। 13 मई 1962 को नेहरू जी ने लिखा था कि हालात इशारा करते हैं कि नेताजी की मौत हो चुकी है। नेहरू जी ने सुरेश बोस को चिट्ठी लिखकर कहा मौत की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 5 जनवरी 1965 को तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री का संदेश अखबार में छपा। शास्त्री जी ने लिखा कि दुख की बात है कि जब नेताजी के सपने सच हुए तो वो हमारे बीच नहीं रहे। नेताजी के भाई सुरेश बोस ने 25 जनवरी 1965 को शास्त्री जी को एक चिट्ठी लिखी। सुरेश बोस ने शास्त्री जी से पूछा कि नेताजी की मौत कब कैसे कहां हुई ये बताएं। सुरेश बोस की चिट्ठी पर पीएमओ के तत्कालीन अधिकारी ने कलम से नोट लिखा। अधिकारी ने 29 जनवरी 1965 में लिखा कि क्या इस सवाल को नजरअंदाज किया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें सार्वजनिक करने पर जेडीयू ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी नेता चरित्र हनन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आजादी के नायकों के बीच में कानाफूसी पैदा करके बिखराव पैदा करना चाहती है, चरित्र हनन करना चाहती है। सुभाष बाबू ने कै शादियां की, किन से उनके रिश्ते थे, ये चीजें प्रकाश में आने के बाद सुभाष बाबू के लोकतांत्रिक चरित्र पर भी सवाल उठेंगे। लिहाजा जो प्रश्न इतिहास की गर्त में दब गए थे, राष्ट्र नायकों के बीच में टकराव कराना, चरित्र हनन करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एकमात्र लक्ष्य है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि इस फैसले से सरकार की मानसिकता और इरादों पर सवाल उठते हैं। वो देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, खास तौर पे नेताजी के प्रति उनकी मृत्यु से संबंधित और उसके बाद के घटनाक्रम के लिए, प्रधानमंत्री और सरकार ने जिस तरीके से इस विषय को आगे लाया है उस पे उनकी मानसिकता और इरादों पर सवालिया निशान उठते हैं। बिहार के सत्तारूढ़ जेडीयू के विधायक सरफराज आलम से आज भी पूछताछ होगी। शनिवार देर शाम तक सरफराज आलम से पुलिस ने पूछताछ की। अररिया से विधायक सरफराज आलम को डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन में एक दंपति से बदतमीजी करने का आरोप लगा है। हालांकि सरफराज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि जिस ट्रेन की बात की जा रही है वो उस ट्रेन में सवार ही नहीं हुए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सरफराज ट्रेन में चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सरफराज आलम के पास टिकट भी नहीं था। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वक्त लेने के बाद भी सरफराज आलम उनसे मिलने नहीं पहुंचे, जिसके बाद पार्टी ने सरफराज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने वाले दलित छात्र रोहित के मुद्दे पर इलाहाबाद में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कल इलाहाबाद पहुंचे थे। इसी दौरान दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पासवान के काफिले को रोकने लगे। प्रदर्शनकारियों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता पासवान की गाड़ी पर चढ़ गए। बाद में मंत्री के काफिले को तभी आगे बढ़ने दिया गया जब उन्होंने गाड़ी से नीचे उतरकर इस मामले में जल्द ही उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री है, वो इलाहाबाद आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को छिपाने के लिए इलाहाबाद आए हैं, देखना चाहते हैं इलाहाबाद में क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग आहत हैं उस रोहित बामेला की, जो हैदराबाद में जिसकी शहादत हुई है, जो मजबूरी में खुदकशी किया है, और स्मृति ईरानी और बंगारू दत्तात्रेय के दबाव में उसने खुदकशी किया है, उसको हम लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने मंत्री को रोका और मंत्री को गाड़ी से उतारा। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर आज तीसरे और आखिरी दौरे के लिए मतदान होगा। आज होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। आज हरियाणा के 17 जिलों के 36 ब्लॉक्स में वोटिंग होनी है। आज 7,663 पदों के लिए मतदान होगा। इसके लिए 20,831 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण में 5,230 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, इनमें से 1,154 संवेदनशील और 1,021 अति संवेदनशील। तीसरे दौर में 27,30,884 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पंच और सरपंच पदों के लिए वोटिंग के खत्म होने के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव के दौरान अगर कहीं कोई शिकायत मिली या किसी वजह से जरूरत हुई तो 27 जनवरी को पुनर्मतदान होगा। बजट से पहले सरकार एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये कदम उठाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि सरकार ने 2015-16 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.9% रखा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य को बदलना नहीं चाहती। चालू वित्त वर्ष में सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 4 बार इजाफा कर चुकी है और इससे करीब 14,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रेवेन्यू हासिल हुआ है। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रिफॉर्म्स को लेकर पूरा देश एक साथ काम कर रहा है। जेटली ने कहा कि कॉर्पोरेट फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में बदला गया है और इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 17वें जीएसटी बिल पास होगा। अ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म वेयर आई एम ब्रिंगिंग प्रपोज टू स्टार्ट ब्रिंगिंग डाउन डायरेक्ट टैक्सेशन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स आई थिंक व्हिच शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। The indirect tax reform, which is the uniform nature of the tax across the country, the goods and services tax, the lower house has passed it. I am reasonably optimistic in the next session of being able to push it through. And then we have the bankruptcy law, the insolvency law, which India didn't have an effective law, and which is easier because it only requires a simple majority in parliament to pass it. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में अब तक 900 किलो सोना जमा हो चुका है। इसमें घरेलू और मंदिरों से मिला सोना शामिल है। सरकार को इस स्कीम के तहत आगे और ज्यादा सोना जमा होने की उम्मीद है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी शक्ति कांता दास ने ट्वीट कर 900 किलो सोना जमा होने की जानकारी दी है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी और ससुर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। दोनों को बचाने के लिए आए एक सफाई कर्मचारी को भी गोली लगी है। तीनों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सफाई कर्मचारी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। ये ब्लॉक में एडीओ पंचायत है, उनके परिवार में उनकी लड़की और उसके हस्बैंड के बीच में कोई फैमिली डिस्प्यूट था, जिसको लेकर के आपस में आज पंचायत थी। उसी पंचायत में ये बताया जा रहा है कि लड़की के हस्बैंड ने फायर किया है, जिसमें लड़की को और उसे घर में एक और लड़का है उसको गोली लगी है। यूपी के आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिस लड़की का दाह संस्कार हो चुका था, वो शनिवार को अचानक पुलिस के पास पहुंच गई। दरअसल विकास कॉलोनी के सेक्टर 3 में 19 जनवरी को एक लड़की का शव मिला, जिसकी पहचान कमला नगर की रहने वाली 15 साल की लड़की के रूप में हुई, जिसके अगवा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। पोस्टमार्टम रूम पहुंचकर लड़की के परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त की थी और उसका दाह संस्कार भी कर दिया, लेकिन शनिवार को वही लड़की न्यू आगरा थाना पहुंच गई। अब सवाल उठने लगा है कि 19 जनवरी को जो अधजला शव मिला था वो किसका था। देखिए, उन्होंने मैं सही शिनाख्त नहीं किया था और हम लोग लगातार इस बात को कह भी रहे थे और हम लोगों का प्रयास था कि लड़की शीघ्र बरामद हो और आज स्थिति ये हुई कि जब परिवारी जन को जो मुलजिम है उनको उठाया गया तो परिवारी जनों ने स्वतः ले आकर के उस लड़की को सौंप दिया है। बहनपुरी में कहीं रह रही थी और वो बरामद हो गई है।
अब वो डेड बॉडी मिली है, उसकी हम फिर अब देखते हैं कौन है, कहां से है, आई है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। यूपी के कानपुर में नकली डीजल के गोलक धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली डीजल बरामद किया है। दरअसल पनकी इलाके में शिव मंदिर परिसर के पीछे कई सालों से नकली डीजल बनाने का काला कारोबार चल रहा था। पुलिस की माने तो कुछ लोग केरोसिन तेल में केमिकल मिलाकर नकली डीजल बनाते थे, जिसे जिले के अलग अलग हिस्सों में बेचते थे। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिस जगह पर गोरख धंधा चल रहा था, वहां से पुलिस को करीब 5,000 लीटर नकली डीजल, केमिकल से भरे कई ड्रम और मशीन भी बरामद हुए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस गाड़ी के जरिए से नकली डीजल की सप्लाई की जा रही थी, उस पर दूरसंचार विभाग का प्लेट लगा हुआ था। पुलिस अब बड़े स्तर पर इस मामले की छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम की जावरा विधानसभा के रूपनगर गांव में पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को साकार हो रहा है। गांव के बाशिंदों के संकल्प ने रूपनगर का ऐसा रूप निखारा कि जहां ना अपराध का कोई धब्बा है और ना ही गांव में गंदगी। शिक्षा में इस गांव के बच्चे अव्वल हैं। यहां के स्कूल में देश के महान देशभक्तों की तस्वीरें हैं। स्कूल में सभी बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल आते हैं, चाहे सरकार की तरफ से पैसा पूरा आए या फिर ना आए। इस गाँव के बच्चे शुरू से ही इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते हैं और बड़े शहरों के बच्चों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। वहीं गाँव में कोई भी शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करता है और ऐसी चीजों की दुकान भी इस गांव में आपको नजर नहीं आएगी। साहित्य के महाकुंभ जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 4th दिन है। फेस्टिवल के 4th दिन की शुरुआत डागर आर्किव गुंजन सभा से होगी, जिसमें पद्मश्री उस्ताद वसीउद्दीन डागर गायन की अपनी दुर्पद शैली के साथ साथ कई शैलियां भी पेश करेंगे। वहीं आज पीएम मोदी के सपने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सेशन भी होगा। इसके अलावा जेलएफ में इंटरनेशनल फेम ऑथर्स के साथ CBSE के 3 स्टूडेंट्स अपनी बुक पर चर्चा करेंगे। दिल्ली और NCR में आज भी कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली NCR में जबरदस्त कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी, इस तरह कोहरा छाया रहेगा। बता दें कि कोहरे की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, सामान्य से 3 डिग्री कम था। शुक्रवार को दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिका में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी की वजह से अमेरिका में मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई है। अमेरिका भयंकर तूफान की चपेट में। आलम यह है कि हर घंटे अमेरिका में 1 इंच बर्फ गिर रही है। तेज हवाओं के चलते 22 राज्यों में 8.5 करोड़ की आबादी पर असर पड़ा है और 1.33 लाख घरों में बिजली नहीं है। सप्लाई रुक जाने की वजह से लोग परेशान हैं। इलाहाबाद के संगम तट पर आज से कल्पवास की शुरुआत हो गई है। माघ मेले में करीब 5 लाख से ज्यादा कल्पवासी संगम के तट पर तंबू में 1 महीने तक रहते हैं। हिंदुओं में कल्पवास को लेकर काफी ज्यादा फलदायक माना जाता है, लिहाजा दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं और ये 1 महीने तक यहीं रुकते हैं और गंगा स्नान करते हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए जो पहला यज्ञ किया था, उसकी शुरुआत माघ महीने में ही हुई थी। गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत में रहने वाले हर एक शख्स के साथ गंगा का ऐसा रिश्ता है कि इसे नदी नहीं माँ माना जाता है। भारतीय संस्कृति की वाहक और पालक पोषक गंगा के किनारे ना जाने कितनी सभ्यताएं बसी, उजड़ी और ना जाने कितने राज्य बने बिगड़े, लेकिन अब गंगा खुद अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए आपका अपना चैनल इंडिया 24/7 अब लेकर आया है गंगा पर मंथन अमृत धारा। वाराणसी में देश के प्रतिष्ठित महंत ज्योतिषाचार्य से लेकर नीति निर्धारक इंडिया 24/7 के बैनर तले चर्चा करेंगे कि गंगा को पुराने स्वरूप में कैसे वापस लाया जाए।